लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्रदर्स एंड सिस्टर, देवी और सज्जनों, दोस्तों, साथियों और मेरे यंगस्टर, मेरा नाम राजेश अग्रवाल है और मैं पर्सनल ब्रांडिंग इंटरनेशनल बिजनेस कोच हूं। पिछले 28 साल से मैं इस प्रोफेशन में हूं। मेरी कई वीडियो जो आप देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, जिनके करोड़ों व्यूअर्स हैं, लाखों सब्सक्राइबर हैं वर्ल्ड वाइड। ज्यादा अपने बारे में ना कहके मैं एक एक्साइटिंग बात आपसे शेयर करना चाहूंगा। आज मैं एक खास शो लेकर आया जिसका नाम है माई सेलिब्रिटी। यू नो, आपने गाना सुना होगा, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी कुछ और नहीं, तेरी मेरी कहानी है। वी ऑल हैव अ स्टोरी, हम सबके पास कहानियां हैं, और सक्सेस कुछ नहीं बल्कि उन कहानियों को अचीव करना है और शेयर करना है। मैं अक्सर कहता हूँ, लीव अ स्टोरी बिफोर यू लीव दिस प्लैनेट। अपनी कहानी छोड़कर जाइए इस प्लैनेट को छोड़ने से पहले। जब मैं ये तैयारी कर रहा था माई सेलिब्रिटी टॉक शो का, तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने काम किया। मेरे पास एक ईमेल आई कनाडा टोरंटो से, और मुझे एक शख्स ने कांटेक्ट किया कि वो मेरे यूट्यूब चैनल पे आना चाहते हैं। मैंने उनके बारे में थोड़ा रिसर्च किया और उनकी कहानी सुन के मैं मिसमराइज्ड हो। मुझे लगा इनकी कहानी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। फिर ईश्वर और कुदरत ने ऐसी चीज़ें रची कि वो इंडिया आए और हमारी मुलाकात हुई। ये इंटरव्यू बहुत पहले होना था, बट थोड़ा लेट हो गया क्योंकि हम थोड़ा रिसर्च वर्क कर रहे थे। इनकी कहानी आउटस्टैंडिंग है। ये पूरी तरह इंडियन है, यहीं पैदा हुए, परवरिश हुई, बट 13 साल की उम्र में ये कनाडा शिफ्ट हो गए। बहुत ज़्यादा आर्थिक तंगियों से ये गुजरे, ऐसी आर्थिक तंगियां कि एक एप्पल को 5 भागों में बांटना पड़ता था 5 लोगों को खिलाने के लिए परिवार। बट कहते हैं ना, जीरो से हीरो बनने के लिए प्राइस पे करना पड़ता है, और फिर ये जीरो से हीरो बने। ये कनाडा गए, कनाडा में इन्होंने पुलिस की नौकरी ज्वाइन की और उनको वेल्दी कॉप के नाम से जाना जाता है। बट वहां से ये शिफ्ट हुए एक ऐसे फील्ड में जिससे ये मिलेनियर बने, और आज इनकी जो एक्सपर्टीज है वो है कि एक इंसान को मिलेनियर कैसे बनना चाहिए, मिलेनियर माइंडसेट के ऊपर ये काम करते हैं। और हमारा पूरा इंटरव्यू इसी पर होगा कि आप एक मिलेनियर कैसे बन सकते, और उस इंसान से आप सुनेंगे जैसे हम कहते हैं ना, डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, जिसने जीरो से हीरो की यात्रा तय की। एक अपने आप में बिजनेस टाइकून है, रियल एस्टेट के फील्ड में एक लेजेंड है, और आज कनाडा में ये बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं और अब भारत में एक्सपैंड कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी है अपने बहुत अजीज दोस्त को इंट्रोड्यूस करते हुए सीधा कनाडा से इस वक्त, मिस्टर सुनील तुलसियानी। सुनील, आपका स्वागत है। You need to be hanging around people like that, like him, so that you can learn to think and act the way millionaires act. He's an amazing friend, an amazing mentor and coach. As I said in my seminar, it ain't bragging if you've done it. What Sunil can do is can give you advice based on his own experience that will save you years of hard work. That's what his vision is, to make 100 millionaires. You need to come and be part of this and use the resources, because you're not, it's not just you. You've surrounded yourself with all kinds of people in various aspects of the real estate world, the motivational world, the take a risk world, if you will. Yes. Sunil Tulsiani is a former police officer turned real estate mogul who has bought and sold over $100 million worth of real estate. He's been referred to by the media as the wealthy cop. Sunil is a number one best-selling author, an internationally renowned public speaker who's been featured on Fox Business News, CNBC, Bloomberg News, CP24 TV, The Toronto Star, and the covers of several national magazines. He's shared stages with Robert G. Allen, Jack Canfield, Brian Tracy, Ron LeGrand, and many other real estate legends. He's been called the Tony Robbins of the real estate world. Please give a warm welcome to your speaker, Sunil Tulsiani. थैंक यू राजेश जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को अपने यूट्यूब चैनल पर बुलाया। बहुत शुक्रिया, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। हम बहुत अरसे से वेट कर रहे थे आपके साथ गुफ्तगू करने के लिए, और सुनील, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके लिए। यू आर द हीरो ऑफ द शो, आज के हीरो आप हैं। मेरा काम होगा कोऑर्डिनेट करना,
सुनील, सबसे पहले हमारे दर्शकों को समझाइए, ये मिलेनियर माइंडसेट है क्या? किसको, व्हाट डू वी नो, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय व्हेन वी से मिलेनियर माइंडसेट? जरा ब्रीफ कीजिए, इसको समझाइए जी। कई लोग मेरे से ये पूछते हैं, व्हाट इज अ मिलेनियर माइंडसेट? मिलेनियर हो, मल्टी मिलेनियर हो, बिलियनर माइंडसेट, द आइडिया इज वी सक्सेसफुल माइंडसेट या मिलेनियर माइंडसेट होना बहुत ही जरूरी है। इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एवरीथिंग। क्योंकि क्या होता है कि आपने सुना होगा, कई लोग ऐसा है कि कभी वो लॉटरी जीत जाते हैं और वो एक गरीब थे पहले, फिर लॉटरी जीत गए, उन्होंने करोड़ों की लॉटरी जीती और कुछ साल के बाद, तीन साल चार पांच साल के बाद, वो वापस गरीब हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड आपने ऐसी भी स्टोरी सुनी होगी कि कई लोग जो धीरे धीरे वो पैसा बनाते हैं, मिलियनर बन जाते हैं, मल्टी मिलियनर बन जाते हैं, फिर वो सारा पैसा लूज कर जाते हैं, फिर वो लूज करने के बाद फिर वापस आ जाते हैं और वापस जब आते हैं तो पहले से भी ज्यादा पैसा कमाते हैं। तो ये जो मिलियनर माइंडसेट है ना, ये माइंडसेट है कि हमारा माइंड जो है वो डायरेक्ट करता है, वो एक सॉफ्टवेयर है, वो एक चीज है। जैसे हम आप एक कंप्यूटर पे हम जैसे अभी बैठे हुए हैं, अगर कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर सही नहीं है, अगर उस सॉफ्टवेयर में ये डाला गया है कि आप हमेशा गरीब रहोगे, आपके पास कभी पैसा आएगा भी तो आप लूज कर लोगे, और या आपके पास पैसा आएगा ही नहीं, या आपको इतना पैसा मिलेगा कि सिर्फ आपने अपने बिल्स पे करने हैं, या आपका माइंड ऐसा हो, माइंडसेट ऐसा हो कि यू आर गोइंग टू बिकम अ मल्टी मिलियनर। तो मिलियनर माइंडसेट ये होता है कि हमारी जो सोच होती है, हमारा जो सॉफ्टवेयर होता है, वो किस में सेटअप है। इसी अभी हम कनाडा में बैठे हुए हैं, मेरे ऑफिस में बैठे हुए हैं यहाँ पे, और इस ऑफिस में बाहर जो है बहुत ठंड है, कनाडा में अभी बहुत ठंड है, पर जिस ऑफिस में हम बैठे हैं वहां पे एक थर्मोस्टेट है, उस थर्मोस्टेट का जो टेम्परेचर है वो 23 डिग्रीज पर रखा हुआ है हमने। तो बाहर कुछ भी हो रहा है, चाहे कुछ भी हो रहा है, कितनी भी ठंड है, इस रूम में 23 डिग्रीज टेम्परेचर, कंफर्टेबल टेम्परेचर है। क्यों? क्योंकि ये माइंडसेट है, मतलब, और जो थर्मोस्टेट है ना, हमारा माइंडसेट इज ए थर्मोस्टेट। हमारा थर्मोस्टेट होगा कि ये 1 लाख कमाएगा, ये 10,000 कमाएगा, या 1 करोड़ कमाएगा, वो थर्मोस्टेट इज द माइंडसेट। हाउ ब्यूटिफुल, हाउ ब्यूटिफुल, हाउ ब्यूटिफुल। सुनील, इस यात्रा में आपने जो, जहां तक मैंने पढ़ा और देखा और समझा, तुगलकाबाद, दिल्ली से तुगलकाबाद से आपने टोरंटो की यात्रा तय की और आपकी स्टोरी ने बहुत टच किया इस पूरी जर्नी में, इन दिस होल जर्नी, वो कौन से 3 बिगेस्ट मेंटल ब्लॉक थे जो आपने तोड़े और इतनी मैसिव सक्सेस अचीव की? वो क्या हुआ कि जब हम इंडिया में रहते थे, दिल्ली में रहते थे, तो हमारे पास ना तो इलेक्ट्रिसिटी थी, ना रनिंग वाटर था, ना ही वॉशरूम था। हम फील्ड में जाके उन दिनों इन द 80s लेट 70s फील्ड में जाके हम वॉशरूम मतलब करते थे, और हमारा मतलब ये रहन सहन था कि भाई जैसे आपने एप्पल के बारे में बोला ना, वो दैट वाज अ ट्रीट, हमारे लिए वो बहुत बड़ी बात थी। तो जो माइंड सेट ये था ना कि इट वॉज अ लैक माइंड सेट, लैक मतलब ये कि भाई हमारे पास इतना है नहीं, जितनी चादर है उतना पैर फैलाओ, ज्यादा उड़ो नहीं, ज्यादा पैसे नहीं कमाओ। जो लोग ज्यादा पैसे कमाते हैं वो ग्रीडी होते हैं, खराब होते हैं, गलत होते हैं, जरूर उन्होंने कोई गलत काम किया है तभी वो अमीर बने हैं। और ये मतलब माइंड सेट जो था ना, ये ब्लॉकेज था हमारे लिए। तो मेरे लिए ब्लॉकेज ये था, पहला ब्लॉकेज ये था कि भाई हमारे जो फैमिली मेंबर्स में थे, हमारे माँ बाप थे, जो हमारे रिलेटिव्स थे, हमारे हम आई वॉज नॉट अ गुड स्टूडेंट। तो मेन प्रॉब्लम ये था हमारे में कि हमें कहा गया था कि अगर आपने स्कूल में अच्छे मार्क्स नहीं लाए तो आप कुछ भी नहीं बनोगे। इनफैक्ट एक कई बार तो हमारे फादर ने हमें बोला था, बेटा अगर तुम अच्छे मार्क्स नहीं लाओगे तो बाहर जाके भीख मांगनी पड़ेगी तुम्हें, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में, और वगैरह। तो ये जो एक ब्लॉकेज था मेरे लिए कि भाई आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप छोटे हो, आप गोरे नहीं हो, आप पतले हो, आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है, इसका मतलब आप कुछ नहीं करोगे। तो ये ब्लॉकेज जो था ना मेरे लिए, वो बहुत बड़ा ब्लॉकेज था कि भाई आई एम नॉट वर्थ इट, इसके मतलब मैं कर नहीं सकता हूँ, ये एक ब्लॉकेज मेरे को खोलना पड़ा था। तो मैं आपको बाद में बताऊंगा वो कैसे किया था, पर ये ब्लॉकेज बहुत इंपॉर्टेंट था। क्यों? क्योंकि अगर आप बिलीव करते हो कि आप इंपॉर्टेंट नहीं हो, या आप नहीं कर सकते हो, या आप डिजर्व ही नहीं करते हो, देन उसके फिर आप अमीर और सक्सेसफुल बनना बहुत ही मुश्किल है। तो एक तो ये ब्लॉकेज था कि भाई स्कूल में अच्छे मार्क्स नहीं लाए, दैट मीन्स हमारा कुछ नहीं हो सकता है, चाहे कुछ भी कर लो, चाहे आप कुछ भी कर लो, उसका कुछ नहीं हो सकता।
दूसरा ब्लॉकेज ये था कि भाई पैसा खराब है, पैसा मनी इज बैड। ये मेरे को बचपन से स्कूल में टीचर्स ने, मीडिया ने, मेरे हमारे मामा, हमारे अंकल, सबने कहा, ये कहा, माय डैडी मम, भाई पैसा होना चाहिए पर ज्यादा नहीं होना चाहिए। ज्यादा पैसा हो तो आदमी खराब हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम करता है। तो ऐसा करो ना, आपको ऐसा जॉब लेना चाहिए कि वहां जाओ, पैसा कमाओ, घर में ले आओ, खर्च करो और थोड़ा बहुत सेविंग कर लो, बस दैट्स इट। पर अगर आपके अमीर बनते हो, ये बहुत खराब चीज है। तो मेरे का क्या था कि मुझे अमीर बनना था, पर मुझे सिखाया गया था कि अमीर लोग खराब हैं, मुझे खराब होना नहीं था, मुझे अच्छा इंसान बनना था। तो ये जो ब्लॉकेज है ना, कि अमीर का मतलब होता है कि आप खराब आदमी हो या गलत आदमी हो या आपने कुछ गलत करोगे आप, वो ब्लॉकेज इज सो बिग। इट्स, ये पूरे इंडिया की बात नहीं है, ये पूरे कनाडा की बात नहीं है, पूरे वर्ल्ड की बात है कि भाई आपको जो करना है वो, पैसा खराब चीज होती है, और अगर आपको पैसा चाहिए तो आपको खराब आदमी बनना पड़ेगा। यू नीड टू बी अ विलन टू बिकम वेल्थी, व्हिच इज नॉट ट्रू, वो सही नहीं है। एंड ये बहुत, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी। एंड तीसरा जो मेन मेरा ब्लॉकेज था वो ये था कि मनी equals time, और time is money, time is money। मैंने कितने हजारों बार लोगों ने कहा time is money, but जल्दी जल्दी करो, time is money। तो उसमें क्या होता था कि अगर आपने ज्यादा पैसे कमाए, उसका मतलब है कि आप फैमिली मैन नहीं हो, आप किसी को अपना टाइम नहीं दे सकते हो, और time is money का मतलब ये होता था कि अगर आप समझो इंडियन करेंसी में एक महीने का 1,00,000 कमा रहे हो या 50,000 कमा रहे हो, या कई के छोटी शहरों में मैंने सुना 10-20,000 भी लोग कमाते हैं, उनका अगर डबल करना है, और अगर आप रोज 8 घंटे काम कर रहे हो और आपको अगर 50,000 मिल रहे हैं, अब आपको 1,00,000 बनाना है, इसका मतलब है कि 8 घंटे से लेकर आप 16 घंटे काम करो। अगर ट्रिपल करना है तो आप सोना नहीं, 24 घंटे ही काम करना है। तो ये बहुत बड़ी ब्लॉकेज थी मेरे लिए, वो ये कि भाई अगर मेरे को 1 घंटे में 1,000 रुपए मिल रहा है या 500 मिल रहे हैं रुपए, तो अगर मेरे को ज्यादा कमाना है तो मैं बस और टाइम इन्वेस्ट करूंगा और बना दूंगा। तो ये जो ब्लॉकेज है ना, ये बहुत बड़ा ब्लॉकेज है, क्योंकि लोग कहेंगे कि भाई देखो ये आदमी कुछ और कर नहीं पाएगा, ना ही वो अपने बच्चों को देख पाएगा, ना ही अपने माँ बाप को देख पाएगा, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं होगा, उसके पास टाइम नहीं होगा। और चौथी जो ब्लॉकेज थी वो मेरी बहुत बड़ी ब्लॉकेज थी, बिकॉज आपने 3 पूछा, मैं चौथी दे रहा हूँ आपको, वो ये थी कि आई वॉज अ मूवी बफ, आई एम अ मूवी बफ, मुझे फिल्में बहुत अच्छी लगती हैं। जब मैं इंडिया में था तो बॉलीवुड मूवी तो मेरे लिए यू नो अमिताभ बच्चन हुए, और यू नो आजकल जो अक्षय कुमार हुए या शाहरुख खान वगैरह जो भी, और जब हम कनाडा में आए तो फिर हॉलीवुड मूवी में जैसे क्लिंट ईस्टवुड हुए, एडी मर्फी हुए, रॉबर्ट कियोसाकी हुए, जो अदर एक्टर्स थे, वो जो एक्टर्स थे ना, वो मेरे वो थे गुरु थे, वो मेरे कोचेस थे, वो मेरे भाई कैसे आदमी को करना चाहिए। और मेरे लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, क्यों, आप सब 80s में अमिताभ बच्चन जी को ले लीजिए, बिकॉज ही वाज माय आइडियल, आई थिंक इज द बेस्ट मूवी स्टार इन द वर्ल्ड। अमिताभ बच्चन इन रियल लाइफ वो एक अमीर आदमी है, उसके पास घर है, अच्छी कारें हैं, सब कुछ है, पर आप अब जब मूवी में देखोगे ना, 90% ऑफ द टाइम वो गरीब है मूवी में, वो स्ट्रगल कर रहा है, वो अमीर लोगों से लड़ रहा है, और हर अमीर लोग उसकी फिल्म में बदमाश थे, खराब थे, विलन थे। सारी उम्र मेरे को ये ब्रेन वॉश किया गया था, आपका जो हीरो है, जिसको आप देखते हो, जिसको आपको देखते हो वाव करते हो, आप ये चीज देखना कि रियल लाइफ में वो अमीर है और पर्दे पे वो गरीब है। Wow. क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारा ये मतलब जो थीसिस बनाई गई है कि भाई अमीर लोग खराब हैं, गरीब लोग अच्छे हैं, अमीर लोग हमेशा गरीब लोगों पे जुल्म करते हैं। तो मेरे लिए जो ब्लॉकेज तोड़ना था, इट वाज सो बिग, ब्यूटीफुल। आपने जिस पर्सपेक्टिव से इसको प्रेजेंट किया है वो आउटस्टैंडिंग है,
और हम अक्सर यहाँ पे जो ट्रेनिंग देते हैं उसमें सिखाते हैं कि अगर ये अमीर लोग नहीं होते तो कितने लोग के घर में रोजी रोटी नहीं होती ना। सही बात है। सो वंडरफुल, थैंक यू जो पर्सपेक्टिव से आपने लिया, और मुझे उम्मीद है जब ये इंटरव्यू पब्लिश होगा तो बहुत से लोग इस पर्सपेक्टिव से अपने माइंडसेट को चेंज करेंगे। अच्छा सुनील, आपने इस पूरी जर्नी में ऐसे बहुत सारे क्रिटिक कह लीजिए या लेग पुलर्स कह लीजिए, उनको एनकाउंटर किया होगा, क्योंकि सक्सेस जब मिलती है तो बहुत से लोग पैर खींचने वाले भी होते हैं, आपके बारे में गलत प्रचार किया होगा, गलत चीज़ें, आई एम श्योर यू मस्ट हैव गॉन थ्रू ऑल दीज, तो कुछ उसके बारे में बताएंगे हमारे दर्शक जी। पहली बात तो यह है कि अमीर होने के बाद ही नहीं, अमीर होने तक भी होता है। इनफैक्ट अगर आप अपने दोस्तों को, अपने माँ बाप को, अपने रिलेटिव्स को के पास जाएंगे और बोलेंगे डैडी, जैसे हमने किया था, मैंने कहा डैडी मम्मी मेरा ये, आई एम अ पुलिस डिटेक्टिव और 15 साल हो गए हैं, मैं ये जॉब, सिक्योर जॉब जिसमें मेरे को अच्छे पैसे मिल रहे हैं, पोजिशन अच्छी है, उस जॉब को मैं अब छोड़ रहा हूँ एंड आई एम गोइंग टू बी एन एंटरप्रेन्योर, उनकी तो उनके तो पैरों तरफ जमीन ही हट गई थी। या एक बार तो हमारे डैडी ने मेरे को बोला था बेटा कि मैं रोज मंदिर जाता हूँ जब मैं मतलब उस पहले साल में, और मैं विश करता हूँ, प्रे करता हूँ कि तू फेल हो जाए, बिकॉज अगर आप फेल हो गए तो वापस जॉब पे जा सकते हो आप। और सो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर रेगुलर लोग आपको कह रहे हैं कि नहीं करो, ये अच्छा नहीं है, ये पागलपंती है, बेकार है, चुप करके अपना काम करो, अगर रेगुलर पीपल आपको बोल रहे हैं ये, उसका मतलब है कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो, इसका मतलब है आप सक्सेसफुल हो गए। अगर आपको रेगुलर पीपल बोल रहे हैं शाबाश बहुत अच्छे काम कर रहे हो, और यूजली वो हमारे क्लोज पीपल होते हैं जो हमें चाहते हैं, जो हमें प्यार करते हैं, वो हमें सेव करना चाहते हैं, वो कहते हैं बेटा नहीं करो ऐसे, जब चुप करके काम करो, उनका दिल सही है पर वो सेफ रखना चाहते हैं हमें। अगर वो सब लोग आपको ये कह रहे हैं ना, इसका मतलब आपका विजन बड़ा नहीं है, बिकॉज आप सेफ्टी में रह रहे हो। फिर सो एक तो ये हुआ कि अभी आप शुरू कर रहे हो बढ़ना, और अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मेरे पास सारे लोग आएंगे और बोलेंगे शाबाश बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि लोग एक तो कहेंगे कि एक तो आपके क्लोज होंगे, वो बोलेंगे भाई मैं उसको प्यार करता हूँ, आई डोंट वांट टू हर्ट हिम, उसको चोट नहीं लगनी चाहिए, और दूसरे आएंगे जो जेलसी होंगे, कहेंगे भाई अबे ऑल ऑफ अ सडन वो यू नो, जब मैं रेगुलर पर्सन से और जब अमीर बन जाते हैं तो यूजली भाई आपके घर दूसरा हो जाता है, या कार आप दूसरी बार कर लेते हो, या आपका रहन सहन दूसरा हो जाता है, तो कुछ लोग आपको बोलेंगे कि अरे देखो जरूर इसने कुछ गलत काम किया होगा, या अपने आपको समझता क्या वगैरह वगैरह। चाहे आप कितने लोगों को एम्प्लॉय करो, जॉब्स दो, मदद करो, दूसरे लोग भी रिच हो जाए, पर कई लोग ऐसे होंगे कि भाई वो चाहेंगे कि आप बढ़ेंगे नहीं। जब और फिर जब मैं सक्सेसफुल हो गया तो जो लोग, कई लोग ऐसे थे मेरे पास जो सक्सेसफुल थे ऑलरेडी, सो क्या हुआ वो ऑलरेडी सक्सेसफुल थे मेरे शुरुआत थी, तो ये मदद कर रहे थे मेरे को जब तक मैं इस लेवल तक आ गया, हाफ वे, 1/4, 120-130%। जब मैं उनकी बराबरी आने लग गया कुछ लोगों के पास और उनको सर पास करने लग गया, तो वही लोग वापस पूछने लग गए, खींचने लग गए, और वही लोग कहने लगे अरे ये तो हमसे ज्यादा कमाने लग गया वगैरह। तो मेरा कहने का मतलब ये है, आजकल मैं क्या करता हूँ, मेरे से अगर मेरा स्टूडेंट आगे बढ़ जाता है ना, मेरे लिए वो सबसे बड़ी बात है, वो कॉम्प्लीमेंट है। पर 95% ऑफ जो पीपल थे ना, जो सोचते थे ये तो बहुत नीचे है, ये क्या इसको, उनके मैंने कोर्स बाय किए, उनके मैंने चीजें बाय की, उनकी कोचिंग भी बाय की, उनके इवेंट्स भी अटेंड किए, उनकी बुक्स भी पढ़ी, पर जब उनको लगा कि ये इतना बढ़ गया, चलो ठीक है कोई बात नहीं, पर जब उनको लगा ये तो मेरे पास आ गया, ये तो हमारा कंपटीशन बन गया है, देन उनकी मतलब वो चाहते अब नहीं आपसे बात करेंगे, या आपको लोगों को बोलेंगे कि नहीं इसको नहीं, मुझे हायर करो, उसको नहीं हायर करो। सो उनकी जो मेंटालिटी थी ना, वो अबंडेंस मेंटालिटी नहीं थी, वो स्केर्सिटी मेंटालिटी थी। सो लेग पुलर्स आएंगे, आपको सिर्फ एक चीज करनी है, आपको अपने आप पे विश्वास करना है, आपको ये कहना है कि क्या इस दुनिया में एक इंसान है जिसने वो किया है जो मैं करना चाहता हूँ या मैं करना चाहती हूँ, क्या एक इंसान है, क्या एक एग्जाम्पल है। अगर आपके पास 100 एग्जाम्पल्स हो
या 1000 एग्जाम्पल हैं, इसका मतलब आप कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, आपको ऐसे लोगों को ऊपर जाना है जो मेंटर्स होते हैं, कोचेस होते हैं, जिन्होंने किया है जो आप करना चाहते हो, उनको उनकी बातें सुननी है आपको, क्योंकि वो आपको बोलेंगे शाबाश आओ आओ मैं तुम्हें मदद करता हूँ, क्या करना है तुम्हें, तुम्हें ये सीखना है, स्किल देनी है, वो सिखाएंगे आपको और वो खुश होंगे जब आप बढ़ोगे, रेगुलर पीपल नहीं आए बढ़ेंगे। तो जो लेग स्पोलर्स आएंगे ना शुरू शुरू में, कुछ लोग जैसे मेरे को पहले बोलते थे तुम कुछ नहीं कर सकते हो, इस रिस्की, जब मैं सक्सेसफुल हो गया तो सारे मेरे को बोलने लगे, ऑलमोस्ट सब लोग बोलने लगे, अरे हमें तो पता था भाई तुम कर सकते हो, है ना, तुम कर सकते हो। बाद में जब सक्सेसफुल हो जाओगे आप, तब कुछ लोग आएंगे बोलेंगे। सुनील बहुत बहुत बढ़िया, आप फ्लो में, मेरा तो इनफैक्ट मन नहीं कर रहा था बीच में आपको रोकूं, क्योंकि मेरी मजबूरी है, बहुत सारे प्रश्न लेके मैं बैठा हूं, और किसी ने बहुत अच्छा बताया और समझाया। हम उसको ट्रेनिंग में भी कहते हैं कि सम पीपल आर स्टैंडिंग एंड सम पीपल आर आउटस्टैंडिंग, तो आप खुद को आउटस्टैंडिंग की कैटेगरी में डाल के ये मंजिल अचीव की। तो सुनील ये काफी लंबी यात्रा है, बट अगर हम केवल 7 स्टेप्स जानना चाहें मिलियनेयर बनने के, माइंडसेट बनने के, जो 7 स्टेप जानना चाहें, विच आर दोस 7 स्टेप्स आप हमें गाइड कर सकते हैं, बता सकते हैं कि वो कौन से 7 स्टेप हैं जिसमें हमें मदद मिले हमारे दर्शकों को कि कैसे वो मिलेनर माइंडसेट अचीव कर सकते हैं। जी जी जी, मैं आपको बताऊंगा। पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि एक बुक है जिसका नाम है सीक्रेट टू वेल्थ, ये पहली बुक ब्रायन ट्रेसी के साथ है, इसमें मैंने लिखा है 7 स्टेप्स टू बिकमिंग वेल्थी, एंड इनमें से मैं आपको बता दूं कि ये अगर स्टेप्स आप करेंगे, देयर आर पीपल पूरे वर्ल्ड में जिनकी मैंने मदद की है, जो जिनके पास लाख डॉलर्स, करोड़ डॉलर्स, करोड़पति जो बन चुके हैं, मिलियनर्स इन डॉलर्स, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, एंड ये स्टेप्स यूनिवर्सल हैं और हर जगह काम करेंगी। और अब मैं इंडिया में भी काफी लोगों की मदद कर रहा हूँ टू ग्रो देयर बिजनेसेस, टू गो द नेक्स्ट लेवल, ग्रो देयर ब्रांड एंड ग्रो देयर कैश फ्लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो वेल्थी की स्टेप है ना, ये सिर्फ रियल स्टेट में नहीं है, क्योंकि हमारे पास 3 मेन बिजनेसेस हैं, रियल स्टेट एक है, बाकी 2 और ऐसे बिजनेसेस हैं जिसमें बहुत सारे भगवान की दुआ से बहुत सारी सक्सेस मिली है, और ये स्टेप्स अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। तो जो मैंने आपको ब्लॉकेज बताया, मिलियनेयर माइंडसेट बताया, जो है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो पहली चीज है कि आपको यू हैव टू राइट डाउन What you exactly want, एकदम लिखना है आपको, लेजर फोकस की भाई मेरे को इतना पैसा कमाना है, कितना, या तो मेरे को जैसे आप बोलेंगे कि भाई मेरे को हर महीने 10 लाख रुपए कमाने हैं, या 5 लाख रुपए कमाने हैं, या 1 लाख रुपए कमाने हैं, या करोड़ कमाना है, जो भी है, पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एग्जैक्ट अमाउंट आपको पता होना चाहिए और वो आपको लिखना पड़ेगा, लिख दीजिए और लिखना पड़ेगा और रिव्यू कीजिए रोज रिव्यू कीजिए, उसको देखिए, उसको पढ़िए और उसको ऐसे देखिए जैसे कि क्या कोई एक इंसान इस वर्ल्ड में, इंडिया में, कहीं पे भी, क्या एक आदमी है जिसने ये इतने पैसे कमाए हैं? अगर आंसर है कि किसी ने नहीं कमाए हैं, तो हो सकता है कि आप पहले इंसान हो, वो कर सकते हो। पर अगर हजारों लोगों ने ऐसे काम किए हैं इंडिया में, जो कि है, और आपके पास एग्जाम्पल्स हैं कि बुक्स पढ़िए आप, यूट्यूब पे देखिए, उनके सामने आप देखेंगे कि भाई अगर इसने किया है तो मैं भी कर सकता हूँ, वो भी इंसान है, मैं भी इंसान हूँ, इसके पास भी कुछ नहीं था, मेरे पास भी शायद कुछ नहीं है, या कई लोग को मैं बोलता हूँ यार तुम तो मेरे से बेटर थे, जितना हमारे पास था कुछ था भी नहीं। और क्या हुआ कि जब 2005 में आई मेड लॉट्स ऑफ मनी, 2008 में बिग क्रैश हुआ, 2009-8-9 में इन यूएस में आई लॉस्ट इट ऑल। So लोग बोलते हैं, ओह यार तुम तो बहुत लकी थे कि इतना पैसा, अरे हम वी लॉस्ट इट ऑल एंड देन आई मेड मोर। सो आपको सिर्फ ये करना है कि आपको ये बिलीव करना है कि आपको ना, और जो गोल होना ना, वो गोल ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको लगे कि मैं कर सकूं, गोल ऐसा होना चाहिए जो लगे कि मेरे शायद मैं ना कर सकूं। मतलब अगर आपको लगता है कि मैं 1 लाख रुपया कमाऊं ना एक महीने में, बहुत मजा आएगा, मैं कहता हूँ लोगों को डबल कर दो यार, डबल कर दो, 2 लाख कर दो, 2 लाख लिख लो, अगर 1 लाख लिख सकते हो 2 लाख लिख सकते हो। तो वो गोल है कि वो गोल कंफर्टेबल नहीं होगा,
वो गोल कंफर्टेबल नहीं हो सकता, क्योंकि कंफर्टेबल गोल का मतलब है कि आपको वही मिलेगा जो आपको मिल चुका है अभी तक. You have to be uncomfortable doing that. दूसरी चीज है, so number one, लिखना है गोल को. Right. दूसरी चीज है आपको एजुकेट करना है, एजुकेट करना है. कई लोग मेरे को बोलते हैं यार मेरे को रियल स्टेट में या बिजनेस में, मेरे को पता है, मैंने अपने मम्मी डैडी से सीखा है, मैंने अपने भाई से सीखा है. like, मैं यूं कहता हूं कि तुम्हारे मम्मी डैडी, तुम्हारे भाई, क्या वो करोड़पति बन चुके हैं? क्या वो पा चुके हैं जो आप पाएंगे? नहीं. ठीक है, अगर पा चुके हैं तो ठीक है, फॉलो करो उनको. अगर नहीं पा चुके हैं तो आपको वही मिलेगा जो उनको मिला है अगर उनके स्टेप पे जाएंगे. शायद हो सकता है थोड़ा उससे ज्यादा कमा ले, थोड़ा बहुत, पर अगर आपका गोल बड़ा है तो यू गेट एजुकेशन फ्रॉम सक्सेसफुल पीपल. ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब हम स्कूल जाते हैं, हमारे टीचर्स, हम कॉलेज जाते हैं, हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, उनके पास बिजनेसेस नहीं होती हैं, पर वो बिजनेस सिखाते हैं. रियल स्टेट जो में जो सिखाते हैं, उनके पास रियल स्टेट नहीं होती है, पर वो रियल स्टेट सिखाते हैं. तो ना होने से वो ठीक है, पर ऐसे लोगों से सुनना सीखना चाहिए जो कर रहे हैं वही वो टीच कर रहे हैं. अगर अगर आप आपको बिजनेस टाइकून बनना है या कोच बनना है, राजेश जी आप यू नो यूर सक्सेसफुल कोच, सो क्या मैं प्रोफेसर या टीचर के पास जाऊंगा या मैं राजेश जी के पास जाऊंगा कि भाई मुझे सिखाओ कि एक सक्सेसफुल मेंटोर कोच जो बिजनेस वाइज कैसे करना चाहिए. ऑफ कोर्स जिसने क्या, अगर मेरे को वॉरियर बनना है, मैं वॉरियर के पास जाऊंगा ना, जो वॉरियर है. राइट राइट राइट. नंबर थ्री, ऐसा प्रोडक्ट और सर्विस पिक कीजिए आप, ऐसा प्रोडक्ट और सर्विस जिसमें आपको मजा आए, उसको ऐसा लगे. जैसे इंडिया में बहुत लोग क्रिकेट देखते हैं, खेलते हैं, जो भी है, मैं कहता हूँ क्या ऐसी चीज, अगर आपको क्रिकेट पसंद है, क्या ऐसी चीज है जो ऑलमोस्ट लाइक क्रिकेट हो, मतलब आप कर रहे हो, आपको लग ही नहीं रहा कि आप काम कर रहे हो, आपको लग रहा है मजा आ रहा है बहुत मेरे को, या ये तो कोई आएगा आपको बस बोलेगा अरे यार तुम 10 घंटे से ये कर रहे हो, अरे भूल गया खाना भूल गया मैं, तो सुबह उठते हो तो आपको सुबह उठ के जंप करके बोलोगे अरे नेक्स्ट डे है चलो वो कर. वैसा जुनून, पैशन, वैसा होना चाहिए. ऐसी चीज आपके लिए, ऐसी चीज हो जिसपे आप बिलीव करते हो, जिसको आप खुद यूज करते हो, खुद लाइक करते हो, और आपको ये पता है कि वो चीज, वो प्रोडक्ट, वो सर्विस दूसरों के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. चौथी चीज, चलो आपको ये सब आ गया, प्रोडक्ट सर्विस आ गया, पर आपके कौन लेगा ये, आपके क्लाइंट्स कौन है, आपके आपके कस्टमर्स कौन है? अगर आप ऐसी चीज भेजेंगे जो कभी बिकी नहीं है, जिसको किसी को पता ही नहीं है, और उसके लिए बायर्स ही नहीं, चाहे आपको लगे कि ये तो बहुत अच्छी चीज है यार, ये तो मजेदार चीज है, पर इसके बायर्स हैं कि नहीं, लोग आर देयर क्लाइंट्स. सो उन क्लाइंट्स को आइडेंटिफाई करना, वैसे फिर और क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आपके पास बिजनेस सर्विस है और क्लाइंट्स नहीं है, देन यू वोंट बी सक्सेसफुल. ओके, सिंपल इज दैट. ओके, पांचवा नंबर है कि जो कि चौथे पे से ऑलमोस्ट है, आजकल के जमाने में यू शुड बिल्ड ए लिस्ट, अ लिस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिस्ट. द लिस्ट, एंड लिस्ट कौन कौन सी लिस्ट है, SMS लिस्ट है, टेक्स्ट लिस्ट, ईमेल लिस्ट है, YouTube सब्सक्राइबर्स हैं, या कोई भी सोशल मीडिया है जिसमें बहुत सारे लोग आपको फॉलो करते हैं, इट्स अ फॉर्म ऑफ ए लिस्ट. सी इन द पास्ट आपको लिस्ट बनाने, जब सोशल मीडिया नहीं थी तो बहुत मुश्किल था, आजकल आप लिस्ट बनाइए, बटन पुश कीजिए और लोगों को बताइए और उनको अपनी प्रोडक्ट सर्विस उनको सेल कीजिए, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि लोग आपको जाने, पहचाने और आपके प्रोडक्ट बाय करें, क्योंकि हो सकता है कि आपके प्रोडक्ट सर्विस, जैसे कोचिंग है, इंडिया में, कनाडा में हजारों लोग कोचेस हैं, पर हम क्यों आपके पास ही आए, ये इंपॉर्टेंट चीज है. उसके लिए आप एक लिस्ट बनाए कि कैसे हमने अपनी बिजनेस बनाई. मेन चीज था ईमेल लिस्ट, हमारा फोकस था कि ईमेल लिस्ट बढ़ाओ. जब हमारे पास एक घर था और 100 इन्वेस्टर थे, एक घर के लिए 100 इन्वेस्टर थे ईमेल में, उन्होंने बोला कि आपके पास घर आए तो मुझे बता दीजिएगा. जब हम बटन पुश करते थे और उनको बोलते थे कि मेरे पास एक घर है, मैं 100 लोगों को ये भेज रहा हूं, अगर जिसको चाहिए बताइए, जो पहले आएगा उसको मिल जाएगा. तो लोग लड़ते थे हमसे
कि भाई हमको दो, पर जब 100 से 500 हो गए, 500 से 1000 हो गए, 1000 से 5000, 5000 से 10000, 10000 से 20000, 25000, जब ऐसे बढ़ते गए ना, तब आप समझ सकते हो मैं एक बटन दबाता हूं कितने पैसे कमा सकते हैं। सो बिल्ड अ लिस्ट। अगर आज कई लोग बोलेंगे यार पर मेरी बिजनेस नहीं, नॉट मेरी, अरे आप अकाउंटेंट हो, लॉयर हो, आप कोच हो, स्पीकर हो, मेंटर हो, हेयर स्टाइलिस्ट हो, कॉफी शॉप हो, कुछ भी हो, एक चीज आपको करनी चाहिए, आपको बिल्ड लिस्ट करनी चाहिए। आप यू नो हेयर स्टाइलिस्ट हो और आपको लगे कि हर बुधवार को 2 से 3, 2 से 4 के बीच में शाम को कोई नहीं आता है क्योंकि इट्स नॉट अ बिजी टाइम, तो आप बोल रखिए, उसमें बोलिए कि अपना यू नो कार्ड डाल दीजिए, फॉर्म भर लीजिए और उसमें ईमेल लिस्ट ले लीजिए सबसे, उनको ईमेल लिस्ट में डाल के आप ईमेल कर दीजिए और बोलिए कि आप बुधवार को 2 से 3 के अंदर अगर आप अपने बाल कटवाओगे आपको ये फेशियल 50% में मिल जाएगा। अब जो कोई नहीं आना चाहता था, आना भी नहीं चाहता था, आपने एक बटन दबाया, आपके पास 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग, 1000 लोग, 10000 लोग धीरे धीरे जैसे बढ़ रहे हैं, उन सब की ईमेल आपके पास आई और आपने बटन दबाया, आपका पूरा जिस दिन आपकी बिजी नहीं है उस दिन आप सेल रख दीजिएगा, अब पूरा आपका दुकान भर जाएगा। अब जिसको नहीं भी आना था, हेयर कट नहीं भी करना था, वो कर लेगा। सो वो हो गए 5, नंबर 6, 5 हो गए। 6 है जो आप और हम हैं, वो है मेंटोर्स। मेंटोर्स जो है ना वो देयर हाईएस्ट लेवल, वो होते हैं कि भाई मुझे कराटे सीखना है, भाई कौन है जिसके पास 5 डिग्री ब्लैक बेल्ट, 10 डिग्री ब्लैक बेल्ट है, जो मैं उससे ही सीखूंगा। कौन है जो बिजनेस टाइकून है, जो उससे मैं खुद सीखूं। सो मेंटोर्स वो वेरियस डिफरेंट फैक्टर है। एक तो है कि भाई उनका चलो यूट्यूब चैनल चले जाए, जैसे अब ये यूट्यूब हो रहा है, लोग अगर जो हम कह रहे हैं वो करेंगे ना, दे विल बी सक्सेसफुल। सो एक यूट्यूब चैनल हो गया, सोशल मीडिया हो गया, फिर उनकी बुक्स हो गई, उनकी बुक्स पढ़िए आप, फिर उनके इवेंट्स होते हैं, उनके इवेंट्स पे जाइए, फिर उनके पास अगर कोई प्रोडक्ट और सर्विस है, उनकी प्रोडक्ट और सर्विस को आप बाय कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप खुद में इन्वेस्ट नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। उसके बाद अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं उनको हायर करने के लिए, वन ऑन वन मेंटरिंग के लिए या कुछ भी, तो वो हाईएस्ट लेवल है। सो मेन पॉइंट इज दिस, जो स्कूल में हमें सिखाया गया था कि लोगों जो लोग जो स्टूडेंट बहुत सक्सेसफुल है उसकी कॉपी कभी नहीं करना, स्कूल में सिखाया गया था। मैं कह रहा हूं कि रियल वर्ल्ड में वो जो स्टूडेंट जिसके पास 99% आता है ना, उसकी जाके कॉपी करो, उसको वो ही करो जो उसने किया, तो उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। स्कूल में बोलते हैं गलतियां नहीं करो, मैं कहता हूँ बाहर जाके गलतियां करो। स्कूल में बैठे हैं कहते हैं कि एक साथ मिलके टेस्ट नहीं करो, मैं कहता हूँ बाहर रियल वर्ल्ड में जाके कोऑपरेटिव कोलैबोरेट, ये जो हम कर रहे हैं आप और मैं, इट्स अ कोलैबोरेशन। सो मेंटर इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग। एंड लास्ट थिंग, taking action now, right now, in fact main logo ko bolta hu ki you should take action yesterday, kal kar lena tha par kal to nahi kar sakte ho na, aaj bhi karo, and jo bhi cheez aap karna chahoge, jo badi cheez hogi na, wo ek cheez mein nahi aayegi, wo comfort zone mein nahi aayegi, wo uske liye aapko thoda dil mein dhak dhak hoga, thoda dar lagega, thoda lagega ki bhai तो आपको आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको हो सकता है थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना पड़े, ये सब करना पड़ेगा। सो ये ब्यूटीफुल 7 पॉइंट्स आपने बहुत ही खूबसूरती से कवर किए। और मैंने ब्रायन ट्रेसी, आप जानते हैं जब हमारी पर्सनल डिस्कशन हुई थी कि ब्रायन ट्रेसी को मैं भी बहुत फॉलो करता हूं, और उन्होंने कहा था कि आपको सब चीज की समरी है कि फाइंड आउट अ गुड मेंटोर, और वो हमारे दर्शक इस वक्त समझ रहे हैं कि देखिए आपने 7 पॉइंट में चीजों को रखा। आपने बात की प्रोडक्ट और सर्विस एक्सेलेंट होनी चाहिए। कल ही मैं किसी से बात कर रहा था और उन्होंने कहा कि अल्कोहल की शॉप कहीं भी खोल लो, कस्टमर अपने आप पहुंच जाते हैं। उन्होंने एग्जांपल दिया ये, आई एम नॉट सेइंग कि आपको अल्कोहल की शॉप खोलिए, मतलब जिस चीज का नशा आप पैदा कर देते हैं लोग अपने आप आपको कोच के वहां तक पहुंच जाते हैं। और आपने बहुत अच्छा एक पॉइंट रेज किया कि जो आप ईमेल करते हैं उसकी टेक्स्ट कैसी होनी चाहिए। आपने जो बताया कि मेरे पास एक आइटम है और 100 लोगों में भेज रहा हूँ, तो आपने ब्यूटीफुल तरीके से अट्रैक्ट किया। सो वंडरफुल सुनील, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा हूँ और आज मेरा काम कोऑर्डिनेटर का है, होस्ट का है। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं हमारे दर्शक आपसे बहुत कुछ गेन कर रहे हैं। अच्छा सुनील, एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जिस रेंज में हम लोग रहते हैं, वहाँ एक ब्लॉकेज देखने को मिलता है, वो है इंग्लिश, अंग्रेजी।
और जब आप गए होंगे दिल्ली से कनाडा, तो एक ये ब्लॉकेज आपको भी फेस करना पड़ा होगा. सो हाउ डिड यू ओवरकम योर स्पीकिंग एबिलिटी स्पेशली इन इंग्लिश, और क्या ये ब्लॉकेज होता है, थोड़ा इस पर भी आप हमारे दर्शकों को बताइए. जी, अभी रिसेंटली मैं एक बहुत ही सक्सेसफुल कोच और मेंटर इंडिया में है, और वो हिंदी में यू नो हेल्प हिंदी में बोलते हैं ज्यादातर, और कभी कभी इंग्लिश में भी बोलते हैं. तो उन्होंने को मैंने बोला कि आपको मैं कहने, वो मैंने बोला कि आपको क्या है, आपका क्या मतलब विजन क्या है. कहता है मेरे को विजन यह है कि मैं इंटरनेशनली आपके स्टेज पे आना चाहता हूँ, कि हमारे पास बड़े बड़े स्टेज हैं, केविन हैरिंगटन, ब्रायन ट्रेसी, जैक कैनफील्ड, ग्रैंड कार्डोन, टोनी रॉबिन्स, ऐसे ऐसे लोगों के साथ मैंने स्टेज शेयर किया. तो उन्होंने बोला कि मुझे, जैसे आपने अपनी बिजनेस बढ़ाई है, मेरे को एज अ स्पीकर एज अ मेंटर मुझे वहां जाना है, पर मेरे को एक प्रॉब्लम एक इश्यू है छोटा सा. वो इश्यू ये है कि मेरे को ये नहीं पता है कि मैं टोटली इंग्लिश में कर सकता हूँ कि नहीं ऑन द स्टेज. एंड उनका ये ब्लॉकेज है, ही इज एजुकेटेड, इनका ब्लॉकेज है ये, पर ये ब्लॉकेज रियल है. पर इस ब्लॉकेज को रिमूव करने के लिए इट्स नॉट द हार्डेस्ट, ये नहीं है कि बहुत मुश्किल है, ये कर सकते हो. इसके लिए क्या करना चाहिए आपको, अगर आपका गोल है कि अब मुझे इंटरनेशनल लेवल पे जाना है, या मैं इंडिया में ही होके इंटरनेशनल कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करना चाहता हूँ या उनके लिए काम करना चाहता हूँ, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग इंडिया में हैं जो अमेरिका, यूएस, यूरोप से मतलब इंप्लॉय किए हैं अपने घर से, वो अपने घर में बैठे हैं, वो लाखों कमा रहे हैं, क्योंकि वो इंग्लिश बोल सकते हैं और वो इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं, और ये मेन चीज है. तो मेरे अगर मैं अगर इंडिया में होता तो मैं एक चीज करता, वो ये कि मैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स लेता बाय फॉरेन इंग्लिश टीचर्स. अभी मैंने इंडिया में बहुत सारे स्कूल देखिए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि लर्न इंग्लिश स्पोकन लैंग्वेज. द वर्ड लर्न स्पोकन इंग्लिश इटसेल्फ इज रॉन्ग. अब वो क्योंकि अमेरिका में, कनाडा में कोई ऐसे नहीं बोलता है यू वांट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, ऐसे कोई नहीं बोलता है. तो कहने का मतलब है कि आपको जो इंग्लिश सीखनी है ना, वो या तो यूके या अमेरिका की, जो कनाडा अमेरिका सेम ही है मिसिंग, तो वो इंग्लिश का जो आपको डायलैक्ट है, वो जो स्पीकिंग है, वो अगर सीख सकते हो ना, वो बहुत आसान है. क्योंकि आजकल ऑनलाइन आपको कनाडा से, अमेरिका से ऐसी कोर्सेस हैं, ऐसे टीचर्स हैं ऑनलाइन, विथ लिटिल मनी आप इंग्लिश स्पीकिंग सीख सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो. फिर अगर मैंने उनको बताया कि आपको क्या करना है, आपका स्पीकिंग स्पॉट 30 मिनट का है या 20 मिनट का है, वो 20 मिनट का जो वंस यू लर्न, वो 20 मिनट का इंग्लिश में बार बार आपको रिपीट करना है. एंड रेपिटेशन, हमने साइकिल चलाना कैसे सीखा, बाय डूइंग इट अगेन एंड अगेन, ये रेपिटेशन. तो जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो जरूरी है, और मैं आपको बता रहा हूँ करोड़ों लोग हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती थी, अब उनको इंग्लिश आती है. इसका मतलब है कि आप भी कर सकते हो. ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल. मुझे याद आ रहा है सुनील, जब मैंने अपनी ट्रेनिंग करियर शुरू किया था, तो मेरी भी ये मेंटल ब्लॉकेज थी, और मेरा भी ड्रीम था कि मैं यूएस में जाके लेक्चर दूं, और दिस हैज कम ट्रू व्हेन आई स्पोक इन ह्यूस्टन इन 2018. तो मुझे किसी ने कहा कि आप बोलना शुरू करो, धीरे धीरे आपके ब्लॉकेज चले जाएंगे, एंड दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यू आर सेइंग. बट आपने अच्छी ये सजेशन दी कि उनको कहाँ जाके इंग्लिश की प्रॉपर यू नो कोर्सेस करने चाहिए, क्योंकि लर्न स्पोकन इंग्लिश का फ्रेज इटसेल्फ इज अ रॉन्ग. तो मुझे उम्मीद है जो हमें सुन रहे हैं और जिनको इंग्लिश में इम्प्रोवाइजेशन करना है, ग्लोबल लेवल पे जाना है, तो आपकी सजेशन को फॉलो करना चाहिए. सुनील, मैं दो क्वेश्चन एक साथ ले रहा हूँ, क्योंकि दोनों छोटे क्वेश्चन है ये, और इसमें थोड़ा हम टाइम को भी बचा पाएंगे. एक तो आई विश टू नो आपका नेक्स्ट गोल्स या ड्रीम्स क्या है, एंड हाउ डू यू हेल्प पीपल, आप लोगों की मदद कैसे करते हैं, इन दोनों चीजों को अगर आप एड्रेस कर पाए. जी, मैंने पूरे वर्ल्ड में ये अनाउंस कर दिया है, चाहे मैं जापान में या अमेरिका में या कनाडा में, जब बड़े बड़े स्टेज पे गया हूँ, मेरा अनाउंसमेंट एक सिंपल है. लोग पूछते हैं आपका विजन क्या है कंपनी का, मेरी टीम को पूछती है मेरी विजन क्या है, इट्स वेरी सिंपल, टू मेक 100 मिलियनर्स. ये हमारा गोल है, और अभी तक हमने 21-22 लोगों को मिलियनर्स नहीं, पर मल्टी मिलियनर बना चुके हैं, जो जीरो से मिलियनर्स या जीरो से मल्टी मिलियनर्स बन चुके हैं. जिन लोगों ने 10 लाख 20 लाख रुपए या 50 लाख रुपए, उनकी बात नहीं हो रही, जिन्होंने करोड़ उनकी बात नहीं हो रही है. कम से कम दे हैव टू मेक अ मिलियन डॉलर्स, व्हिच इज अबाउट 7.5 करोड़ रुपीस इन इंडियन करेंसी. सो कई लोगों ने 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ कमा चुके हैं, उन्हीं को हम काउंट करते हैं हमारी लिस्ट में.
सो हमारा गोल है टू मेक 100 मिलियनर्स, ये मेरा पैशन है. और जब भी कोई हमारे पास, अभी दो वीक पहले एक आदमी आया कहता है, यू नो आई मेड $1.1 million इन लास्ट 11 months. सबसे बड़ी खुशी मेरे को हुई, सबसे बड़ी खुशी मेरे को हुई. तो यही मेरा बहुत बड़ा गोल है. और मैं लोगों की मदद ऐसे करता हूँ कि इफ दे वॉन्ट टू बिकम एंटरप्रेन्योर एंड दे वॉन्ट टू बिकम रियल एस्टेट इन्वेस्टर, दे वॉन्ट बी स्पीकर्स एंड दे वॉन्ट बी हाईली पेड मेंटोर्स. मेंटोर्स बहुत हैं, बट दे वॉन्ट बिकम हाईली मेंटोर्स. I help them become mentors and speakers and entrepreneurs globally. Okay. In fact, आपने अच्छा इसको cover किया. I wanted to ask you this question. When we say millionaire, इसका मतलब क्या है? वो amount क्या है जिसमें millionaire की category आती है? And you have clarified right now कि 7.5 crore in a year if you are earning, so you come in the category of millionaire. Am I right, Sunil? If you made in Indian currency about 7.5 crore rupees, then you're in that category. Let's say you already are crorepati. Let's samjho aapki net worth 10 crore hai abhi, for example. Aur aap mere sath shuru karte ho, you're already millionaire. Aap mere sath shuru karte ho, aapka 10 crore jab 20 crore ka ho jayega na, then you're in my category of I helped you bring from 10 to 20 crore or 10 to 50 crore or 20 crore. That is my definition of that. और दूसरी है कि मिलियनर ये होता है कि भाई आपका गोल क्या है. अगर आप मेरे को बोलेंगे सुनील, मेरे को अगर हर महीने 5 लाख मिल जाए, हर महीने 5 लाख मिल जाए, $60 लाख मतलब हर साल में कमाऊ, मेरे को वो ही चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए. ठीक है, बट यू डोंट कम इन टू द मिलियनर कैटेगरी इन माय केस, बट यू आर सक्सेसफुल. ओके ठीक है. देर आर लॉट मेनी बुक्स, बहुत सारे वीडियोज हैं, किताबें हैं, और हर मिनट इंटरनेट पे आपके ऊपर अटैक हो रहा है, बहुत सी कंफ्यूशन भी होती हैं. कैन यू सजेस्ट, क्या आप हमारे दर्शकों को बताएं कि वो कौन सी किताबें पढ़ें जो उनके लिए मिलेनियर माइंडसेट या वेल्दी बनने के लिए मदद कर सकते हैं? जी मैं आपको एक ऐसी बुक दूंगा, बताऊंगा जो मेरी बुक नहीं है, और एक ऐसी मैं दूंगा जो ड्यूरिंग कोविड जो मैंने 1906 में ओरिजिनली रिटर्न की थी, उसको मैंने अपग्रेड किया है. इट इज द बेस्ट बुक. अगर आपने वो फॉलो किया ना, इट इज ऑलमोस्ट गारंटीड दैट यू विल बी सक्सेसफुल कुछ भी आप करते. एक तो है थिंक एंड ग्रो रिच, वो मेरी बुक नहीं है, नेपोलियन हिल की है, उसको आप पढ़िए. वो टाइटल है थिंक एंड ग्रो रिच, बट इट्स मेनली माइंडसेट बुक जो अगर आपको पढ़े, बार बार आपको पढ़े. दूसरी है उससे पहले की, आपने आप देखा होगा टोनी रॉबिन्स एंड जितनी जो मूवी आई थी द सीक्रेट विद रॉन्डा बर्न, जिसमें बहुत सारे जैक कैंप वगैरह उसमें थे, उन्होंने एक मूवी बनाई थी, उसका नाम था द सीक्रेट. दैट बुक वॉज बेस्ड ऑन द बुक कॉल्ड द साइंस ऑफ गेटिंग रिच. दिस सो रॉन्डा बर्न उसमें कहती है कि उसका सारे सब कुछ खत्म हो गया था, एंड एक दिन उसके दिल में, उसके दिमाग में एक किताब आई थी, उसका नाम था साइंस ऑफ गेटिंग रिच. उस बुक पे उसने पूरी मूवी और बनाई थी द सीक्रेट 2006 में. सो वो जो बुक थी वो इट वॉज पब्लिश्ड इन 1906. तो उससे पहले की जो सारी बुक्स आई हैं, उसके बाद जो भी बुक्स आई हैं, थिंक एंड ग्रो रिच आई है, या टोनी रॉबिन्स, जो भी आप जिनको भी आप पहचानते हैं, वो सब इस बुक में इस लेके अपना मतलब बनाते हैं. सो मैंने 2 साल पहले जब कोविड आया, तो मेन प्रॉब्लम था कि लोगों ने कि भाई मेरे हमें हमारे बिजनेस जॉब्स कैश फ्लो ये वो प्रॉब्लम हो रहा है, शट डाउन. तो मैंने कम से कम 500 घंटे उस किताब का साइंस ऑफ गेटिंग रिच जो ओरिजिनल थी, जो कि बहुत मुश्किल किताब है पढ़ने के लिए, क्योंकि उसकी जो इंग्लिश है ना, वो इंग्लिश इज फ्रॉम 1800 centuries, क्योंकि वो पब्लिश 1906 में हुई थी, पर 1800 तो बहुत ड्राई, बहुत डिफरेंट है. तो मैंने उस बुक को लिया, फिर उसको आज के दिन माहौल में उस किताब को, जो किताब इतनी पतली सी थी, उसको मैंने इट्स में लिखा. 500 घंटे इन्वेस्ट किए, कम से कम 50 बार उस किताब को मैंने पढ़ा और उसको रोज स्टडी किया. सालों से मैं इसको स्टडी करता रहा हूँ. तो उसके बाद मैंने अपनी ये बुक लॉन्च की, उसका नाम है साइंस ऑफ गेटिंग रिच. एंड इस बुक में जो लिखा है, इट्स ये पहली बुक है साइंस ऑफ गेटिंग रिच जो हमें पता है, that's written on law of attraction, on how to become rich,
एंड ऑल दैट. बिफोर दैट कोई ऐसी किताबें नहीं लिखी हुई थी, उसके बाद ही सारी किताबें आई हैं. सो एंड मैंने बोला जैसे सीक्रेट मिरांडा बर्न, उस सीक्रेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पर सीक्रेट में से कई चीजें मिसिंग है, बहुत चीजें मिसिंग है. Okay. उसमें मैंने इसमें डाल दिया है 4/2022. सो मैं आपको बस एक चीज करना चाहता हूँ. मैं सारे जो दर्शक जो भी आपके सुन रहे हैं देख रहे हैं उन सबको ना कि मैं ये किताब देना चाहता हूँ, पर इसके इस किताब पे मैंने 20 वीडियो किए हैं और 20 ऑडियो किए हैं. उसको आप एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको देना चाहता हूँ. जो भी लोग हैं उनको मिलना चाहिए साइंस ऑफ गेटिंग एज बुक, वीडियोस एंड ऑडियोस एज अ गिफ्ट टू द वर्ल्ड फॉर एवरीबॉडी. एज वी फिनिश अप, हाउ टू बिल्ड दैट मिलियनेयर माइंडसेट, कैसे मैंने किया वो मैं आपको मैं बताऊं, क्योंकि ब्लॉकेज होते हैं वो कैसे किए थे वो उसी के साथ मैं एंड करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कैसे किया. आज भी मैंने अपने जैकेट में इनसाइड पॉकेट ऑफ जैकेट यहां लिखा हुआ आई एम फाइनेंशियली फ्री. ये मेरा पर्सनल जैकेट है, ये मैं पहनता हूं जब ये जब भी पहनता हूं ये मेरे पास हमेशा लगा रहता है, क्योंकि मेरा माइंड है कि इवन इफ आई एम फाइनेंशियली फ्री मैं इसको प्रायोरिटी देना चाहता हूं. And being financially free, बहुत important है, बहुत important. Number two, मैंने एक 24 karat gold note, उस पे $1 million का मैंने बनाया, और इसको मैं अपने wallet में carry करता हूँ हमेशा आज भी. तो ये मैं carry करता हूँ इसलिए क्योंकि हमेशा जब भी मैं चाहे मैं wallet खोलूँ भी नहीं, चाहे मैं ऐसे पकड़े रखूँ, तभी भी I'm touching the energy of the gold. Now, why on 24 karat gold? Because hazaron saalon se gold is gold, is value. So 24 karat gold pe maine ye banaya aur us pe gaya. Next, maine apne liye coins banaye. Isme likha hua, I'm a multi-millionaire and I'm a money magnet. And I carry these in my pocket even today. Wow. I carry them. Why? Because agar aapke paas 1 crore hai, aapko 10 crore chahiye, ya aapke paas 10 crore hai, aapko 100 crore chahiye, you have to consistently brainwire to become that. Pehla hai ki aapko ye change karna hai. So ye cheeze bahut bahut main dusri kai cheeze main karta hu, jaise ki jab main restaurant mein jata hu, I never look from on the right side of the menu, left side of the menu, kya khana hai, kitne ka chhodo. Right. Aur kabhi kabhi main car dealership ke paas jata hu, कार में बैठ जाता हूँ, अपनी फोटो खिंचवाता हूँ. और लास्ट बट नॉट लीस्ट मैंने क्या किया था, एक बार मैंने फ्रंट कवर पे एक फोटो ली और मैंने कहा कि मैं इस मैगजीन में फ्रंट कवर पे आऊंगा. और वो मैगजीन को मैंने डिजिटली अपनी अपनी पिक्चर लगा के फ्रंट कवर पे लगा के अपने रूम में रखी थी हमेशा के लिए. और मैंने कहा था कि मैं किसी बड़े सक्सेसफुल पीपल पर्सन के साथ आऊंगा. सो कई साल बाद एक आदमी है सर रिचर्ड ब्रांसन, ही इज द ओनर ऑफ वर्जिन. आई केम ऑन द कवर ऑफ अ बुक विद हिम बिकॉज ऑफ दैट. सो ऐसी चीजें करने से यू बिल्ड ए मिलियनेयर माइंडसेट एंड हेल्प हील द ब्लॉकेज. जो ब्लॉकेज होती है ना उसको कैसे हील करना है, ऐसे करना चाहिए. Thank you, Sunil. We are almost close to the lastest part of our conversation. बस दो बातें आपसे मैं कहूंगा. एक तो बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपनी नॉलेज हम सबसे शेयर की और लोगों का बहुत इसमें एक नए लेवल पे जाने को मदद मिलेगी. दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि अभी अभी और कोई लास्ट गिफ्ट आप हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे, और उसी के साथ एक एड ऑन क्वेश्चन है कि आपके साथ ये गुफ्तगू कैसी लगी, आपको ये डिस्कशन कैसी लगी, कुछ आप कहना चाहेंगे. जी थैंक यू. पहले मैं आपको साफ बिल्कुल बता रहा हूँ कि अगर आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है या आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आपको पहले तो ये पैकेज ये पूरा डाउनलोड करना चाहिए राइट अवे. चाहे आप पढ़ सकते हो क्योंकि ये डिजिटल पैकेज होगा, या तो आप पढ़ सकते हो या सुन सकते हो या देख सकते हो, तीनों कर सकते हो, तो वो पैकेज आप उसमें डालेंगे. दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको और सीखना है और मेरे YouTube चैनल पे आप जो आप इन्फॉर्मेशन डाल देंगे सुनील तुलसियानी YouTube चैनल पे आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा. और मैं चाहता हूँ कि आप इस इंटरव्यू में मेरे लिए राजेश जी के लिए जितने भी क्वेश्चंस हैं वो उसमें लिखिए,
मैं चाहता हूँ कि मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कैसे आपकी मदद कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ आपके लिए, क्या चाहिए आपको। अगर मेरे पास वो नई चीज है तो मैं आप, मेरे पास ऐसे कनेक्शन हैं जो मैं आपको हेल्प कर सकता हूँ, वो आपको मिल सकते हैं। एंड राजेश जी, लास्ट थिंग मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आपने जो मेरा ये जो इंटरव्यू किया है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, लोगों की मदद कर रहे हो, और ये जो इंटरव्यू जा रहा है लोगों के पास फ्री जा रहा है, और इसके इंटरव्यू के बाद मुझसे कहा गया कि जहां पे भी मैं पूरे वर्ल्ड में जाता हूँ कोई ना कोई लखपति करोड़पति या उससे भी ज्यादा बन जाता है। और मैं चाहता हूँ कि इस इंटरव्यू से हमारे आपके हमारे इंटरव्यू की वजह से कई लोग ऐसे अमीर बन जाएं, ऐसे सक्सेसफुल बन जाएं और हमें आके बताएं कि भाई इस इंटरव्यू को देखने के बाद मेरा जुनून, मेरा पैशन बढ़ गया और मैं जाके मैंने ये किया और देखो क्या हुआ। मैं चाहता हूँ कि आप सब सक्सेसफुल हों और मैं चाहता हूँ कि एक दिन आप मेरे पास आए, राजेश जी के पास आए और बताएं कि कैसे इस इंटरव्यू ने आपकी जिंदगी चेंज कर दी है। सो थैंक यू। थैंक यू दोस्तों, ये थे सुनील तुलसियानी कनाडा से, जिन्होंने मल्टी बिलियनर या मिलियनर माइंडसेट बनने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो बताया नहीं, इन्होंने अचीव भी किया। और हम अगले शो में जल्दी किसी और एक सक्सेस स्टोरी के साथ मिलेंगे। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद। ये वीडियो अपलोड होगी और आप सुनील जी के साथ टच बनाए रखिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।